तो कितना लुक, कितना डेलिशियस, कितना परफेक्ट बना हुआ है। जब भी रमजान का मौका हो, कोई गेस्ट आए या कुछ चटपटा खाने का मन हो, तो ये मटन से, चिकन से, आप किसी चीज़ से बनाइए, एकदम बेहतरीन तरीके का सीख कबाब, या इसको गोला बोल सकते हैं, कोई चीज़ आप बोल सकते हैं, एकदम बेहतरीन तरीके का है, एकदम परफेक्ट होते हैं। हम तो मुठिया बोलते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके शहर में क्या बोलते हैं इसको। बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आते हैं, रोटी पराठे कुलचे दाल चावल के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं रेहाना किचन में किस तरीके से बन रहा है। एवरीवन, रेहाना किचन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं? उम्मीद होगा बढ़िया से। तो फ्रेंड्स, आज मैं रमज़ान के मौके, रोजे के मौके में बहुत बेहतरीन लेके आई हूँ। जिस ये कीमा है, आप मटन का ले लो, चिकन का ले लो, किसी चीज़ का कीमा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 250 ग्राम ले लिया, इसको अच्छे से धो लिया, और आप चाहो तो इसको मुठिया बोल सकते हैं, गोला बोल सकते हैं, सीख कबाब बोल सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से बनेगा। तो जिसके लिए हमने ले लिया है, यहाँ पे सोवा है, धनिया पत्ता दोनों है, हरा प्याज है, बारीक काट लिया है, लहसुन दो को बारीक काट लिया था, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, और खूब सारी हरी मिर्च है। तो इसको हमने पहले से धो लिया, इसको हम कीमे के साथ चॉपर में चॉप करेंगे। तो आप बने रहिए रेहाना किचन में। सबसे पहले हम चॉपर ले लेंगे, अगर चॉपर नहीं है तो आप मिक्सर में भी पल्स मोड पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मिक्सर भी नहीं है तो आप इसको एकदम बारीक काट लीजिए, वो भी हो जाते हैं। तो हम इसको डालेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया है चॉपर। फ्रेंड्स, आपके पास अगर चॉपर नहीं है, मिक्सर में भी पल्स मोड पे कर सकते हैं। अगर मिक्सर भी आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इस चीज़ सारे सामान को एकदम बारीक चॉप कर लीजिए, और बारीक चॉप करके मिक्स कर दीजिएगा, बहुत बेहतरीन होगा। तो हम इसके अंदर डालेंगे सारे, पहले इसको, इसके अंदर हम कीमा भी डाल देंगे इस तरीके से। हमें पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, और पल्स इस तरीके से हम, देखिए बिल्कुल ईजी हो जाते हैं, इस तरीके से हम बारीक कर लेंगे। इस तरीके से हो गया है, देख सकते हैं एकदम। आप चाहे तो मिक्सर से कर दो, चाहे तो इससे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बाउल्स में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं फटाफट इस तरीके से। के बाद हम एक बारीक प्याज काट लेंगे, और थोड़ा सा धनिया पत्ता, ये दोनों को भी डाल देंगे। आपकी मर्जी डालिए या ना डालिए, लेकिन बहुत अच्छा टेस्टी होता है, ऊपर से भी थोड़ा डाल दीजिए। तो लेंगे कुछ मसाले, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और तीखा चटपटा बनाने के लिए 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाला इसमें नहीं चाहिए, 1 चम्मच काली मिर्च है, 1 चम्मच घर का बनाया हुआ मसाले हैं, गरम मसाला, नमक है स्वाद अनुसार, मिक्स मसाले हैं, 1 चम्मच के करीब आमचूर पाउडर है, 1 चम्मच चाट मसाले, इलायची पाउडर है, के करीब कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, जिससे बहुत अच्छा कलर आएगा, चल जाएगा नींबू का रस, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट होगा, थोड़ा खट्टापन आएगा ना, तो बहुत अच्छा टेस्टी होता है। अंदर जाएंगे 2 से 3 चम्मच सरसों तेल, एकदम सरसों तेल में ही बनाना है फ्रेंड्स, अच्छे से मिक्स करना है, हाथों से ही मिक्स करेंगे, मसल मसल के मिक्स करना है, ताकि बहुत टेस्टी अच्छे से मिक्स हो जाए, सारे मसाले ऊपर नीचे हो। देखिए कलर तो इतने बेहतरीन और टेस्टी तो इतनी बनती है फ्रेंड्स, कि एक बार आप बनाएंगे ना तो इसके दीवाने हो जाएंगे। बिल्कुल है बनाना आसान और परफेक्ट टेस्ट के साथ होते हैं। आप इसको रोजे खोलने के टाइम बना सकते हैं, या वैसे भी रोटी पराठे के साथ चाय पे भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत टेस्टी होता है, दाल चावल के साथ भी फ्राई करके खा सकते हैं। तो ये परफेक्ट मिक्स हो चुका है। तो एक बर्तन रखेंगे, कोई भी बर्तन मोटे तले का रखिएगा। तो इसको हम साइड करते हैं, और देखिए बिल्कुल इसको छोटा छोटा टिक्की का शेप या लड्डू का शेप दे सकते हैं इस तरीके से, देखिए बिल्कुल इजी होता है हाथों पे। इस तरीके से तेल जो हमने डाला है ये चिपकेगा नहीं, और इस तरीके से हमें एक एक करके बना लेना है, बिल्कुल इजी है। तो देख सकते हैं एकदम परफेक्ट, मैं और करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल इजी है, चाहे तो गोल बना लीजिए या टिक्की बना लीजिए, फटाफट हो जाते हैं। देखिए इस तरीके से दे दीजिए, या इस तरीके से लड्डू का शेप कर दीजिए, बिल्कुल इजी है, गोल गोल घुमा के छोटा बड़ा अपने हिसाब से, और इस तरीके से हम सारा कर लेंगे। इस तरीके से देखिए हमने बना लिया एकदम परफेक्ट, इसमें पानी व कुछ भी हमें नहीं डालना है, सीधा हम गैस पे रखते हैं इसको, ऑन करेंगे
और सीधा इसको रख देंगे। फ्लेम को हम मीडियम रख देंगे और इस पे हम लिड लगा देंगे। लिड लगा के हम इसको छोड़ देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। ये पानी अपने आप छोड़ेगा, एक बूंद भी पानी नहीं डालना है हमें। एक और दिखा रहे फ्रेंड, इस तरीके का सीख कबाब है, तो मैं सीख कबाब बनाऊंगी। देखिए किस तरीके से, इस पे तेल लगा लीजिए इस तरीके से, बिल्कुल हाथों पे भी थोड़ा सा, बिल्कुल हम थोड़ा सा उठाएंगे इस तरीके से हाथों पे कर ले, इतना बेहतरीन होता है ना फ्रेंड्स कि आप खुद मार्केट का भूल जाएंगे जब घर पे बनाएंगे। और इस तरीके से हमें प्रेस करना है बिल्कुल। तो देखिए इस तरीके से हम कर लेते हैं परफेक्ट, थोड़ा सा दबा दबा देंगे, बिल्कुल इजी हो जाते हैं। और इस तरीके से हम बन गए हैं, तो बिल्कुल हाथों से इस तरीके से हम खींच लेंगे, तो ये परफेक्ट हो चुका है। इस तरीके से भी हम बना लेंगे फटाफट। मैं और करके दिखा रही हूँ, इस तरीके से लेंगे और बिल्कुल हाथों से देखिए टाइट दबाएंगे, बिल्कुल हो जाते हैं, परफेक्ट है। देखिए इस तरीके से, और इसको इस तरीके से हल्के से निकाल देंगे, देखिए परफेक्ट हो गया। तो इसी तरीके से मैं सारा बना लेती हूँ। तरीके से हमने बना लिया है देखिए सीख कबाब, आप रोजी अवतार में बना सकते हैं एकदम बेहतरीन तरीके। तो इसको चलते हैं फटाफट फ्राई करने गैस पे। तेल बहुत अच्छा गरम हो गया है फ्रेंड्स, तेल को हमको अच्छे से गरम करना है और एक एक करके हम इस तरीके से इसमें डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्राई होगा। हाथ को बचा के करिएगा इस तरीके से, एक बार में जितने हैं उतने ही हम करेंगे। इसको हम मीडियम ही रखेंगे और अच्छे से करना है, तो इस तरीके से हम घुमा घुमा के इसको करेंगे ताकि बिल्कुल अच्छे से कुक भी हो जाए और बहुत अच्छा फ्राई भी हो। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए बिल्कुल इस तरीके से करना है, इसी तरीके से हमें करना है। देखिए मीडियम फ्लेम पे ही करेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं करना है। और इसको हम घुमा लेंगे इस तरीके से, बिल्कुल कितना बेहतरीन हो रहा है। हम फ्लेम को हाई कर देंगे और इसे बहुत अच्छा कलर देना है, फ्राई करना है, तो इसको हाई फ्लेम पे ही करेंगे। तेल बिल्कुल नहीं डालेंगे, तेल इतना काफ़ी है, बस इसी तरीके से हमें करते रहना है। तो देखिएगा इतना बेहतरीन हो जाएगा कि आप रोजे के अवतार में रख सकते हैं, चाय पे ले सकते हैं, एकदम परफेक्ट। देख सकते हैं ना कितना बेहतरीन एकदम फ्राई हो रहा है। तो ये एकदम इसको चटनी के साथ, रोस्ट के साथ आप एकदम रेडी हो गया है, तैयार हो चुका है। तो इसको हमें फटाफट एक बर्तन में निकालते हैं, एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। देखिए फटाफट रोजे पे रखिए आप, अवतार पे रखिए, सहेली के टाइम खाइए, पराठे से खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम रेडी हो चुका है। लीजिए कितना बेहतरीन तरीके से हुआ है सीख कबाब, आप चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, रोजे पे पकोड़े के जगह इसको आप एंजॉय करिए, एकदम बेहतरीन है गर्मा गर्म चटनी के साथ। वाह वाह क्या टेस्ट है, ओह वाह। तो मैंने रोजा खोल लिया है, तो वेट किस चीज़ का फ्रेंड्स, एकदम परफेक्ट बन चुका है सीख कबाब। आप रोजे पे खोलिए इस तरीके से, गेस्ट आए, मेहमान आए, जब भी खाने का मन हो रोटी चाय के साथ आप बना सकते हैं, सॉस या चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। दूसरी रेसिपी भी हम देख लेते हैं, इसे भी हो गया 5 मिनट, हम खोल के देख सकते हैं कितना बेहतरीन हो रहा है। देख सकते हैं कितना पानी इसके अंदर आ चुका है, हमने एक बूंद भी पानी नहीं किया। इसको चाहे तो इस तरीके से घुमा दीजिए, स्पैचुला ले लेंगे और इस तरीके से हम चला लेंगे, तो देखिए कितना बेहतरीन हो गया है। जो पानी है ना फ्रेंड, तो इसका पानी हमें बिल्कुल सुखाना है, पानी को हमें इसी तरीके से नहीं रखना है। जब पानी सूखता है तभी बहुत बेहतरीन टेस्ट आएगा। तो इसको हम फिर से ढक देते हैं, और नहीं तो स्पैचुला नहीं है तो इस तरीके से भी कर देंगे तो ऊपर नीचे हो जाते हैं बिल्कुल। तो इसी तरीके से हम फिर से वही लीड लगा देंगे, करते हैं, देखिए कितना बेहतरीन हो रहा है। अभी थोड़ा सा पानी और भी है, तो फ्लेम को थोड़ा सा हम हाई कर देंगे ताकि पानी अच्छे से हो जाए, इसका सूख जाए। कलर देखिए कितना बेहतरीन आया हुआ है, अंदर का पानी बिल्कुल सूख चुका है, देख सकते हैं एकदम परफेक्ट हो गया है। तो इसको हम बंद करते हैं और ठंडा होने का वेट करते हैं इसको। ये देख सकते हैं एकदम ठंडा हो गया है, इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। तो इसे हम
फ्राई करेंगे खाने के लिए गर्मा गर्म, तो हम गैस पे रखेंगे फटाफट तवे। तो देख सकते हैं कि अच्छे से फ्राई पैन अच्छे से गर्म हो गया है। तो यहाँ पे हम 2 से 3 चम्मच के करीब सरसों तेल डालेंगे। सरसों तेल में बहुत अच्छा होता है। तेल को अच्छे से गर्म करने देंगे। अच्छे से गर्म हो जाए तो गर्मा गर्म हम इसके ऊपर डालेंगे फटाफट। एक बार में जितने आपको खाने हैं आप उस हिसाब से डालिए। फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और इस तरीके से सिर्फ स्पैचुला लेंगे और इस तरीके से देखिए फ्लेम ध्यान रहे एकदम मीडियम करना है और इस तरीके से घुमा घुमा लेना है जिससे चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। इसको चाहो तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं लेकिन ये परफेक्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से हमें डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और रोजे के मौके पे आप रोज़दारी को दीजिए या चाय पे दे दीजिए। कोई गेस्ट आते हैं पराठे से कुलचे से रोटी के साथ भी दाल चावल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। एक बार इस तरीके से बना के देखिए। हमारे तरफ इसको मुठिया बोलते हैं या गोला बोलते हैं। फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं। तो देखिए परफेक्ट होने लगे हैं ना, कितना बेहतरीन लुक और टेस्ट तो पूछना नहीं है। जब आप बनाएंगे तो इसको टेस्ट आपको समझ में आएगा कि कितना बेहतरीन हो रखा है। तो देखिए कितना परफेक्ट हो चुका है। परफेक्ट रेडी हो गया है। गैस को हम करते हैं बंद और इसको एक बर्तन में हम फटाफट ट्रांसफ़र करते हैं। जब भी खाना हो कुछ चटपटा सा, रमज़ान का मौका हो वो ऐसे चाय पे भी, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए, बहुत पसंद आने वाले हैं। देखा ना रेहाना किचन में कितनी बेहतरीन बनी हुई है ये मुठिया। आप भी ट्राई करिए, रमज़ान का मौका है, खूब इसका आनंद लीजिए। और रेसिपी ट्राई करने के बाद प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कितना बेहतरीन बना है। हमारा तो एकदम परफेक्ट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।